जैसे कुल या इबादी, यहाँ पे बहुत दिखे ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे मेरे बंदो। एक तो इसका मतलब यह है कि रब फरमा रहा मेरे बंदो, दूसरा मतलब इसका ये है कि रब फरमा रहा है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाए मेरे बंदो, यानी कि नबी के बंदो बात सुनो। जो कहते हैं बंदा सिर्फ रब का होता है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप फरमा दे या इबादी मेरे बंदो। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो हमारे कुरान में तो लिखी है, हमारे कुरान में ये भी लिखा है वअलमु अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, जान लो बेशक अल्लाह के रसूल तुम में मौजूद है, हमारे कुरान में ये लिखा है। हमारे कुरान इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके कुरान में ना लिखा हो, हम जो कुरान पढ़ते हैं उसमें ये सब अकीदे मौजूद है। या पढ़ने वाला अपने बात का नहीं है, या पढ़ाने वाला अपने बात का नहीं है, शाने रसूल हर किसी को थोड़ी समझ आती है, या पढ़ाने वाला उसका बाप कोई और है या पढ़ने वाले का बाप कोई और है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नजरिया कुरान का है, यही नजरिया अहदीस से मिलता है। जो भी तौहीद रिसालत करता उसके बारे में यही बात मशहूर होती है कि वो किस और बाप का बेटा, अपने बाप का नहीं। सूरत अल-कलम पढ़े, आला 29 पढ़े, हम से जरूर सुने लेकिन खुद भी पढ़े ताकि यकीन ज्यादा हो जाए कि हाँ ऐसे ही है। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप मेरी बात मान लें, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैंने जो बता दिया बस वो ठीक है, आप बस खामोशी से मान लें। मैंने तो आप खुद पढ़े, आपके पास जो कुरान है उसमें भी ऐसी आयात मौजूद है, खुद भी पढ़े। आप इस्लाम से खास मोहब्बत रब की, वो कहते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद रब को राजी करने के लिए हर भी कोशिश कर रब फरमाता है कदम रात तक अल्लू बाबा जी का फिस्सा मा फलन वल्ली हन्ना का बिगलतम तरवाहा फवल्ली वजहका शत्र मस्जिद हराम। ये जो तरदवाहा, ये जो लफ्ज है तरदवाहा, जिस किबले में आपकी रजा है वही किबला हो जाएगा। आप अरे सामने नमाज में सोचा ये किबला, अभी तक तो बैतुल मुकद्दस था, तकरीबन 17 महीने आप अरे सामने बैतुल मुकद्दस शरीफ की तरफ चेहरा ये अंबर करके नमाजें पढ़ी पढ़ाई तकरीबन 17 माह। उसके बाद फिर आप इस्लाम में अभी दिल में ख्याल आया कि बड़ा तो काबा शुरू होंगे नमाज पढ़ा रहे, दिल में ख्याल आया कद मरा तकल्लुबा अजीका फिस्समा आयात ने और आनिया का खुलासा कि हम आपकी निगाहों का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, ये वही नाजिल हो रही है दौरान नमाज। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फलन वन में जन्म का किबला था तरदा, मैंने बताया मैं तर्जमा नहीं कर रहा, मैं खुलासे के तौर पे कई आयात का सब कुछ बता रहा हूँ, खुलासा बता रहे हैं आपको। अभी अपना चेहरा मुबारक वहां कर लें जहां आपकी रजा है, तब दुआ हम आपको ऐसे किबले की तरफ फेर देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे।
रब फरमा आप राजी हो जाएंगे ना जिस किबले की तरफ चेहरा मुबारक करके हमको ही आपका किबला बना देंगे। यहां रब का हुक्म है, कमाल मोहब्बत रब की अपने नबी अलैहिस्सलाम से। किसी मकाम पे फरमाया जाता है अलम तरा कई फादर होगा बियाद ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कौम आद के साथ क्या किया, कौम आद कहां आप इस्लाम की विलादत बासादत से पहले कई सदियां पहले क्या आपने नहीं देखा हमने कौम आद के साथ क्या किया, मतलब है कि आपने देखा सुभान आप इस्लाम ने नहीं फरमाते ही नहीं मैंने कभी देखा क्या आपने नहीं देखा वो हमने क्या किया उनके साथ। कभी फरमाया आलम तर गई फसारा रुको का भी अस्हाबिर जी ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ हमने क्या किया, हाजिर और नाजिर नबी सबूत पुरानी आयात से आपने नहीं देखा वो हाथी वालों के साथ क्या किया। तो आप इस्लाम वहां फरमा देते कि मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था मुझे क्या मालूम मेरी तो विरादत बासादत भी नहीं हुई थी तो मैं क्या जानू कि क्या हुआ था हाथी वालों का मेरे रब हमें बता क्या हुआ था हाथी वालों के साथ। आप इस्लाम से खास मोहब्बत आपकी महफिल जिस मकसद के लिए भी हो लेकिन मकसद यही है कि जिक्र उनका छेड़िए हर बार जिन जिन मकासिद के लिए भी इस महफिल को सजाया हो जो नेक मकासिद है दुआ है कि अल्लाह ताला वो मकासिद पूरे फरमाए। ग्यारहवीं शरीफ, ग्यारहवीं शरीफ जो है मैंने अभी आपको बताया ग्यारहवीं वाले को मिलोगे तो बारहवीं वाला मिलेगा, बारहवीं वाले से मिलोगे तो रब मिलेगा। फिर रोजाना आपको बड़ी बताती है इस पर तो मुझे रखा करें आपके घर में भी ऐसे ही घड़ी मौजूद है। लोग एक से पढ़ते हैं, मैं ग्यारह से शुरू करता हूँ, लोग एक से पढ़ते हैं ये एक है दो और तीन है, मैं ग्यारह से पढ़ना शुरू करता हूँ। ग्यारह में आपको पहला घंटा है फिर बारह दूसरा है जो हर बात में कोई हिम्मत होती है, हर बंदे को हर बात समझ नहीं आम हालात में आपके बंदे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है इश्क रसूल वाली आग जो जहन्नम की आग बुझा देगी वो इश्क रसूल की जो आग है वो इस दिल में लगाई है। ऐ इश्क तेरे सदके या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक जो आग इश्क रसूल की जहन्नम की आग को बुझा देगी वो आग यहाँ लगा रखी है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते कोई पैसे नहीं लगे मेहनत नहीं लगी बस क्या लगा तवज्जो दिल ने आपकी आग को रख लिया आपकी मोहब्बत को रख लिया फिर इस मोहब्बत ने जहन्नम की आग को भी बुझा दिया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हदीसे हैं कि जहन्नम से आवाज आएगी कौन गुजर रहा है मेरे ऊपर से इसको जल्दी बुझा दो आग ठंडी हो रही है तो बताया जाएगा कि ये वो खास बंदे हैं वो है इश्क तेरे सर के जलने से छुटे सस्ते जो हम इश्क के बंदे हैं। मसाइल बहुत से हैं
हमें नहीं किसी को, इस महफिल से। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये स्वाभाविक तो नहीं, ऐसी महफिल तो स्वाभाविक, ऐसी महफिल नहीं। उन्होंने जैसी महफिल की है उसका तू सोच भी नहीं सकता, ऐसी तो नहीं की, वाकई नहीं की उन्होंने ऐसी महफिल जैसी हम करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो की आप और इस्लाम की याद में हर वक्त मशहूर, उन्होंने जो महफिल की है उसका तुम सोच भी नहीं सकता। अगर कोई पूछे क्या सुहाबा ने यह किया है, सुहाबा ने नहीं किया, बाकी नहीं किया। आप और इस्लाम का चेहरा सामने, चेहरा मुबारक देखकर पढ़ रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर, सुहाबा ने यह नहीं किया। हम जो भी कर रहे हैं हम हकीर सा नजराना पेश कर रहे हैं उस बात का, ये सुहाबा ने माफी नहीं किया। अक्सर लोग जोर लगा रहे होते हैं कि आप साबित करें ये सुहाबा ने किया है, ये मैं दावे से, ये मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, ये सुहाबा ने नहीं किया। हम अपनी ताकत के मुताबिक एक हकीर सा नजराना पेश कर रहे हैं उस बात का, अगर वो कबूल फरमाए।